श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज बसंत पंचमी की रात है तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा बताऊं जिससे कि आप लोगों को कुछ लाभ हो। ज्ञान तो हर जगह रहता है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम मिलता है आजकल, इंटरनेट पे भी। मैंने भी बहुत सारे ज्ञान की बातें की हैं, आज सोचा कुछ प्रैक्टिकल बताऊं आप लोगों को। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो पूछते हैं कि हमें गुरु कैसे मिलेगा। कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें आपको गुरु बनाना है, साधना कैसे करें, साधना पथ पे कैसे बढ़े, कौन सा मंत्र करें। बहुत सारे ऐसे हमारे गुरु भाई हैं जो बोलते हैं कि ये बताइए कि अगली साधना हम कौन करें, कौन सी करें, कौन कौन सी शक्तियों की साधना करनी चाहिए। तो मूलभूत बात यह है कि हम लोगों को एक चीज़ ये समझना चाहिए कि साधना हम कौन सा कर रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो शक्तियाँ डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सी साधना करनी है। जब शक्तियाँ डिसाइड करती हैं कि हम कौन सा साधना करेंगे तो वो ज़बरदस्त साधना होती है। अगर हम ज़बरदस्ती कोई साधना करते हैं तो वो ज़बरदस्ती की साधना होती है, तो उसका फल नहीं मिलता है। इसी कारण से आप देखिएगा कि बहुत सारे साधक जो हर मतलब आज 9 दिन का एक साधना शुरू खत्म हुआ, कल 45 दिन का दूसरा साधना करते हैं, तो वैसे साधक टोटके भर के रह जाते हैं। जैसे कहते हैं हम कि वो लॉयर में एक एफिडेविट लॉयर होता है जो सिर्फ एफिडेविट बनाता है, या फिर डॉक्टर में एक वो डॉक्टर होता है जो सिर्फ सर्दी खांसी बुखार देख सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक स्पेशलाइज्ड तांत्रिक बनना है, एक साधक बनना है, या फिर आपको छोटे छोटे टोटके करने हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहली बात है कि गुरु का मिलना। देखो गुरु मतलब जैसे मुझे भी आप लोग बोलते हैं कि मुझे गुरु दीक्षा दे दो। गुरु दीक्षा देना हाथ की बात नहीं होती है, गुरु दीक्षा देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो अगर आप पिछले जन्म से साधक हो तो गुरु आपका खुद खोजेंगे। गुरु आपके पास आते हैं आपके कर्मों से, जब उनको लगेगा कि आप अब तंत्र के लिए साधना के लिए तैयार हुए हैं तो गुरु खुद आता है। इसके लिए बस आपको सुबह उठ करके एक बार गुरु ध्यान करना चाहिए। गुरु है नहीं है लेकिन जहाँ भी गुरु है वहाँ पे आपको उनका ध्यान करके ध्याय से जो मंत्र है उससे रोज़ गुरु का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। गुरु का सबसे आसान मंत्र तो आप लोग सभी जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, वो कर लीजिए। तो गुरु का रोज़ ध्यान कीजिएगा तो गुरु का की दृष्टि आप पे रहेगी। आपके जो भी पूर्व जन्म के गुरु हैं, चाहे वो चेतन अवस्था में हो या फिर वो ब्रह्मलीन हो, उनका आप पे दृष्टि बना रहेगा। देखो जो गुरु मंत्र देते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो आप अगर ये सोचते हो कि गुरु अगर हमारे नहीं होंगे, तो अगर वो नहीं भी होंगे तो सूक्ष्म शरीर में ज़रूर घूम रहे होंगे और अपने शिष्यों को देखेंगे। आप लोगों ने महावतार बाबा के बारे में सुना होगा, महावतार बाबा हमेशा 25-26 साल के दिखते हैं। ऐसा वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो जब अपने शिष्यों से मिलते हैं पूर्वजन्म के शिष्यों से तो उनसे एक नया रूप लेकर के मिलते हैं, इसीलिए वो हमेशा ही जवान दिखते हैं। तो कोई भी गुरु जब वो गुरु दीक्षा दे देता है तो वो तय कर लेता है कि अब मैं मोक्ष की तरफ नहीं जाऊँगा और अब इसी पद्धति को आगे बढ़ाऊँगा। अच्छा, सिर्फ कान फूंक देता है कोई गुरु तो वो दीक्षा नहीं होती। दीक्षा पांच चरण होते हैं दीक्षा के, और मैक्सिमम गुरु चार चरण तक देते हैं, पांचवा चरण नहीं देते हैं। एक जन्म में हो सकता है एक ही आपको दीक्षा मिले, अगले जन्म में अगला मिले। चलिए ये तो बात हो गई गुरु दीक्षा की। अगर आपको गुरु दीक्षा नहीं मिला तो शुरू कहाँ से करें, कौन सा कर्म करें? जब आप अबोध होते हैं ना, मतलब जब आपको ये समझ नहीं होती कि ये कौन सा भगवान है, वो कौन सा भगवान है, इतने सारे भगवान, इतना सारा फोटो, इतना सारा मूर्ति है, हम पूजा किस भगवान की करें, उस समय जो देवी या जो देवता आपके सबसे करीब होते हैं वो पूर्ण जन्म से चले आ रहे आपके देवी या देवता होते हैं, ठीक है। तो आप कुछ समझ लो कि आपके बचपन से आपको सबसे प्रिय कौन से देव थे, बिना उनकी शक्ति जाने, बिना उनके कथा जाने, बिना पुराण पढ़े, आपको कौन से देव में सबसे ज़्यादा श्रद्धा आती थी। तो एक तो है कि उस देव के आप उपासक हैं जिसका आपको अबोध स्थिति में जिनसे आपको प्रेम था, ठीक है। ठीक है, परिवार में क्या तंत्र चल रहा है, क्या मंत्र चल रहा है, कौन से देवता चल रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कालांतर में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ कि लोग इतने जगहों पर गए हैं कि गोत्र तक लोगों का भुला गया है।
कुल देवी कुल देवता तो बहुत दूर की चीज़ है, गोत्र तक लोगों को याद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक तो जो आपके पारिवारिक देव देवी देवता हैं जिनके दो तीन जनरेशन से पूजा हो रहा है या ज़्यादा से पूजा हो रहा तो और बढ़िया है, वैसा पूजा को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन साथ में जब आप अबोध थे उस समय आप जो भी भगवत का ध्यान करते थे उस भगवत को का ध्यान आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो आपके पूर्ण जन्म के सिद्धि वाले जो भी आपने सिद्धि कर रखी है उससे रिलेटेड देवी देवता हैं। अब विषय है कि उनकी पूजा कैसे करें, उनका मंत्र कैसे करें। तो बड़ा इसका एक आसान उपाय है, ठीक है। पहले तो आप रोज़ सुबह उठ करके सूर्य को जल दें, ये शुरू कर दें, ठीक है। दूसरा, पूजा आप नित्य करें, और आपको अगर इस जीवन में कोई गुरु मंत्र मिला है तो उसको भी करें। देखिए, अगर आपको गुरु नहीं मिला है, आपका यज्ञोपवीत हो गया है, तो आपके लिए गायत्री सर्वश्रेष्ठ मंत्र वो करें, और एक खंजर रखें अपने पास, एक छोटा सा चाकू रखें अपने पास, उस चाकू को हमेशा सिद्ध करके रखें। सिद्ध कैसे होगा ये चाकू? इस चाकू को चाहे तो जब आप जाप कर रहे हैं, जो भी जाप आप करते हैं, तो अपने नज़र के सामने रखें और उसको जाप करते हुए उस चाकू को देखिए, या उसको अपने हाथ में रखिए और जब आप जाप कर लेते हैं तो उस पर फूंक मारिए, उससे वो धीरे धीरे चाकू सिद्ध होता है। इस चाकू का क्या प्रयोग है हमारे इस पूरे वार्तालाप में? अगर आपको जानना है कि आपके अगले जन्म का पिछले जन्म का क्या मंत्र है, तो उस चाकू को सिरमे के नीचे रख के सोने से पहले जिस भी भगवती या भगवान को आप मानते हैं उसका ध्यान करके, गुरु अगर आप मिल चुके हैं तो बहुत बड़े, या नहीं मिले हैं तब भी गुरु का ध्यान करके आपको ये बोलना है कि जो मेरे पिछले जन्म का मंत्र है वो मुझे आज सपने में बताया जाए, ठीक है। आपको लगेगा कि ये तो रुद्र भाई टोटका दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये 100% ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। जो सपनों की दुनिया होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक तो वो जो कि आपके एटमॉस्फियर से, जो आपका एनवायरनमेंट है उससे चलती है, और एक सपनों की दुनिया वो होती है जहाँ आप सच में आपके संपर्क में स्पिरिट्स होते हैं, या फिर आप इस डायमेंशन को लांग के दूसरे डायमेंशन में जाते हैं। तो आपको गुरु और जिस भी भगवान का आप अबोध स्थिति से प्रार्थना करते हैं उसका ध्यान करके आपको ये बोलना है कि मेरे पूर्व जन्म का मंत्र मुझे आज सपने में दिखे, ठीक है। विश्वास मानो, सुबह होते होते आपको आपके पिछले जन्म का मंत्र मिल जाएगा, और उस समय प्रयोग होता है इस खंजर का, क्योंकि जब आप ऐसे प्रार्थना करते हो तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भी कोशिश करती है कि आपको प्रभावित करे। वैसे नकारात्मक ऊर्जाओं को काटने के लिए ये खंजर हम सिर में के नीचे रखते हैं। बिना इसको रखे ऐसा कोई भी प्रार्थना कभी ना करे कि सपने में मुझे कुछ मिले, ठीक है। अब अगर आपको ये मंत्र मिल जाएगा सपने में, तो मैं बता रहा हूँ ये आपके इस जीवन का महामंत्र होगा। ये मंत्र वो होगा जो पिछले जन्म में आपके गुरु ने आपको दिया है। इस मंत्र को मिलने के बाद आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा, चाहे वो साधना के क्षेत्र में हो, चाहे वो आध्यात्म के क्षेत्र में हो, या फिर मटेरियल लाइफ हो, आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो आज इस मंत्र का प्रयोग करें। अगर आपके पास सिद्ध चाकू नहीं है तो कोई भी चाकू लेकर के इसका आज आप प्रयोग करें। इस तरह की विद्याओं के बारे में आपको और जानना है, भूत प्रेतों के बारे में जानना है, तो मैंने किताब लिखी है, वो आप अमेज़न से खरीद सकते हैं, या मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले से, और उसमें रुद्रनाथ सर्च करेंगे तो आपका आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिलेगा। उस कॉन्टैक्ट पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर एक नई व्यवस्था है व्हाट्सअप पे 9431188585 पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और मेरा ग्रुप भी है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए आप सभी को अलग आदेश।